हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आज हम ड्राइंग निकालने वाले हैं, पर वो कौन सी ड्राइंग होगी ये आपको स्टेप बाय स्टेप आगे पता चलेगा व्लॉग के एंड तक। तो आपको ये पेंट देखने के लिए व्लॉग के एंड तक व्लॉग देखना पड़ेगा। ड्राइंग निकालने वाली हूँ तो आगे आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल ही जाएगा कि मैं कौन सी ड्राइंग निकालने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट। अभी मैं ड्राइंग निकालना स्टार्ट कर दिया है। पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा निकालने के लिए, पर आई होप सो मैं जल्दी जल्दी निकालना, मतलब जल्दी से जल्दी बना के आप सबको दिखा दूंगी। ट्राई करते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। अरे पूरा मत दिखा देना, वरना फिर बाद में देखने के लिए कुछ नहीं बचेगा अगर अभी दिखा दिया तो। कमेंट करके आप बता दो कि क्या बन रहा है। आप सबको भी पता ही चल चुका होगा कि एग्जैक्टली ये क्या बनने वाला है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जब छोटी थी ना, तब भी मैं ऐसे ही, मतलब ऐसे छोटे छोटे ड्राइंग बनाती रहती थी। जब जब मुझे, मतलब स्कूल छूट जाता था उसके बाद जब टाइम रहता था तब। मुझे पसंद है पहले से ही। जब भी आपको जॉब या फिर बिजनेस या कुछ भी काम आप अगर कर रहे हो, उसमें अगर आपको फ्री टाइम मिले तो आपका फैशन जो है वो आपको उसके लिए ज़रूर टाइम निकालना चाहिए, जो भी है आपका फैशन। तो उससे मतलब माइंड सेट अच्छा रहता है, और फ्री टाइम में अगर हमें जो पसंद है हम वो करें तो अच्छा ही लगता है, अच्छा फील भी होगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं मतलब पेंटर वगैरह हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा फैशन है इसलिए मैं ऐसे ही निकाल रही हूँ। मुझे इतना परफेक्ट नहीं आता है, पर मुझे अच्छा लगता है निकालना, तो फिर मैं निकाल लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि पूरा 100% परफेक्ट ही आएगा। क्या लगता है आपको किस चीज़ की पेंटिंग होगी, वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा व्लॉग एंड तक। तो देखते रहिए मेरा ये व्लॉग, फिर बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये पेंट है किस टाइप का। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो कि आज की हमारी ये पेंट सब लोगों तक चली जाए और सब लोग पेंट बनाना स्टार्ट करते हैं मेरी ये पेंट देख के। ये पूरी तरीके से मेरे ऊपर गई है, मैंने अपने स्किन टोन की तरह इसका कलर बना दिया है। आप चाहो तो आपके स्किन की तरह आप भी जब इसे बनाना चाहो तो आपके स्किन की तरह आप इसे बना सकते हैं और ख़ुद को डेडिकेट कर सकते हैं। उसमें भी अपनी अलग ही मज़ा है, अच्छा लगता है। Thank you.
माउस और मिनी माउस की पेंटिंग रेडी हो चुकी है। तो इसी के साथ आज का हमारा ब्लॉग ये भी खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में इसी तरीके के कोई भी और टॉपिक पे। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस ब्लॉग को शेयर कीजिए।